वोटिंग में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। हर पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही है और हम यहाँ जोर शोर से चाय चैट कर रहे हैं इलेक्शन पर। आज की चाय चैट होस्ट कर रहा है तबला रेस्टोरेंट, जो कि हाउंसलो लंदन में है, अपनी नॉर्थ इंडियन थेट क्विजीन के लिए जाना जाता है। और साथ में एक और बात है, यहाँ पर इंडिया वाला चाइनीज भी मिलता है। तो देखते हैं कि आज तबला में चाय चैट किस क्विजीन पर होने वाली है और किस मुद्दे पर होने वाली है। आइए हमारे साथ तबला। किसी को शहजादे का खिताब मिला हुआ है तो किसी को गुजरात का बुचर कहा जा रहा है। किसी पर आक्षेप है लैंड स्कैम का तो किसी पर शारदा स्कैम का। गड़े मुर्दे उखाड़ना, छीटा कसी, इन सभी का बोलबाला है इस इलेक्शन में भी एक बार फिर। लेकिन इन सब के बीच पॉलिसीज कहाँ है, देश कहाँ है, क्या ये हम जानते हैं कि क्या मैनिफेस्टो है, किस पार्टी के आने पर देश के लिए वो क्या करने वाली है। बस इसी पर है हमारी आज की चाय चैट, छोला चैट, कुलचा चैट, आप जो चाहे कह ले वो चैट। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहला धन्यवाद जयदेव वाधवा जी के लिए, जो मालिक हैं तबला के और पार्ट ओनर हैं और हमारे शेफ भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने गुजरात का कुलचा छोला बनाया। भाई गुजरात की ही बात चल रही है आजकल, क्या किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए चाय चैट में, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। तो जयदेव जी, सबसे पहले आपको कि क्या आप जब आप देखते हैं आज के समाचार, पार्टियां जोर शोर से अपना अपने प्रचार में लगी हुई हैं, व्हाट डू यू गेट ऑफ पॉलिसीज और डू यू गेट ऑफ पीपल? जी आजकल तो यही देखने को मिलता है जी कि देश की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है, हर कोई अपनी खींची ताना में लगा हुआ है। तो उसको देख कर ये लगता है कि मतलब जो चीज़ पहले, जो इलेक्शन पहले होते थे जिस ज़माने में, आजकल वो चीज़ रही नहीं, सारा एक ये तो बिजनेस बन के रह गया है। अच्छा, इलेक्शन एक बिजनेस बनकर रह गया है। आप भी मुझे कहें कि व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अ पार्टी व्हेन यू वॉच टुडे? अब तक तो हमें पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता लग चला, यही हर रोज पता चलता है कि एक दूसरे को वो क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे पर कौन से जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर कोई भी बात नहीं कर रहा कि पॉलिसी उनकी क्या है, आज की पॉलिसी क्या है, कल की पॉलिसी क्या होगी, जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो फिर उनकी पॉलिसी क्या होगी। वो आज जो भाषण देते हैं वो जनता का मूड देख रहे हैं, जहाँ जनता को बहला रहे हैं, मगर पॉलिसी, जहाँ कोई भी बिजनेस, एक बिजनेस है, बिजनेस में भी लोग बिजनेस की बात करते हैं, ये तो बिजनेस की भी बात भी नहीं करते, ये तो कोई ऐसे बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स की बात भी नहीं हो रही, बिजनेस ऑफ कंट्री की बात भी नहीं हो रही। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डायलॉग बोल के लोगों को बुला रहा है। मैं इस विचार पे इनसे सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है और द मनी विच इज नॉट इन्वेस्टेड, एक्चुअली आई फील द मनी इज वेस्ट, दे आर वेस्टिंग मनी ऑन रैलीज एंड ऑल दिस थिंग्स, इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन इन्वेस्ट इट ऑन देश का विकास में, वो इन्वेस्ट हो सकता है वो मनी। और ये भी मैं सोचती हूँ कि लाइक फ्यू पॉलिसीज लाइक NRIs विच आर स्टेइंग अब्रॉड आफ्टर 6 months दे कैनॉट वोट, सो इवन इफ दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट दे कांट वोट। एंड या एंड यहाँ पे बहुत सारी इंडियन कंपनीज है कि वो इंजीनियर्स को पोस्ट करती है एंड देयर दे हैव टू स्टे फॉर 2 years 3 years बट दे कांट वोट, दे कांट डू एनीथिंग एंड दे फील लाइक दे डोंट हैव वैल्यू फॉर देयर ओपिनियंस। एब्सोल्युटली वंडरफुल कि कैंपेनिंग में एक तो जितना पैसा खर्च हो रहा है इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू छीटा कसी, इसमें कहीं पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। दूसरा, बहुत से लोगों की आवाज़ दबती जा रही है बिकॉज दे आर पॉसिबली आउटसाइड एंड नॉट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज अनदर पॉइंट बट लेट मी फर्स्ट कम टू पीपल एंड पॉलिसी एंड आक्षेप। नचिकेत जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैनिफेस्टो एकदम क्लियर है, इकोनॉमी, वुमन एम्पावरमेंट, जॉब्स और एवरीथिंग। आप जब मैनिफेस्टो पूरा पढ़ेंगे बीजेपी का तो उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई गई है। जब मैनिफेस्टो बनाया गया तब पूरे लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया। प्रीति जी ने बताया जो विदेश में रह रहे उनकी भी राय ली गई है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है।
दूसरी बात मैनिफेस्टो में है क्या, चलिए ये बताइए। सी मैनिफेस्टो अगर मैं बताने जाऊंगा तो चाय चैट में किसी का टाइम ही नहीं आएगा। हाँ। पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ गुजरात का, स्पेशली आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात। अगर आप गुजरात का विकास देखें जो 10 साल में इंडस्ट्री के लिए हुआ है, 14th स्टेट, आपको पता है ना कि 14वें नंबर पे आता है एन एवरेज डेवलपमेंट। द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इज तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, आप गुजरात गए हो कभी? हाँ, बिल्कुल गए, हमने फील किया है। हाँ। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ की जनता से मिले हैं हम, गरीबों से बात की है, यंगस्टर से बात की है, बिजनेसमैन से बात की है, पूरे ऑफिसर से बात की। आज गवर्नमेंट ऑफिसर गुजरात का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है। ये नहीं है किसी का कोई लैंड स्कैम हो जाए तो गवर्नमेंट उसको उसका कुछ काम कर दे तो उसका प्रमोशन हो जाता है, कोई गलती करता है। मतलब लब्बो लबा ये है कि आपका कहना है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है, पॉलिसी है और सब कुछ उस बारे में लोगों को बताया गया है। ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली। रोशन जी, इस समय जो इलेक्शन है एक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए है और बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त। जब हम कहते हैं कि हमें भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, इसका दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। और हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल साफ और पूरा एक्सप्लेन करता है। अच्छा अच्छा, तो आपके पार्टी में भ्रष्ट लोग नहीं है? इन कंपेयर टू अदर पार्टीज नहीं है। अच्छा, मतलब भ्रष्ट तो हर जगह है। हाँ। जितना 200 साल में ब्रिटिश लोगों ने भारत को नहीं लूटा, 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने हमें लूट लिया है। यू नो, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। एक बार भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कंट्री अपने आप ही खुल जाएगी। सबसे भ्रष्ट जो आदमी 49 दिन गवर्नमेंट नहीं चला सका, अगर वो इलेक्शन करने के बाद आगे कहे जी मैं तो घर जा रहा हूँ, तो मतलब आपके हिसाब से आपको बीजेपी के हमें तो भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। जी हाँ। अच्छा, हाँ। मैं पूछूंगी आपसे क्या पॉलिसी है, पॉलिसी भ्रष्टाचार मुक्त? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, बाकी सब कुछ विकास होगा, विकास से जॉब पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जॉब, विकास, इकोनॉमिक ऑलमोस्ट सेम है मैनिफेस्टो में बातें, आपको पता है। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत नहीं, नहीं, मैनिफेस्टो में होना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी होंगे उनका परिवार नहीं है, जीजाजी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा और लोगों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, यू नो, और वो देश के लिए काम करेंगे। और मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं बीजेपी को 100% सपोर्ट करती हूँ और नचिकेत को बिल्कुल, जो नचिकेत ने कहा है और जो आपने सर से ये कहा है, तो इन लोगों ने जो कहा आप उससे सहमत नहीं है? जयदेव जी ने जो कहा कि भाई आज की तारीख में हमें स्कैम कौन क्या कर रहा है, नहीं, किसका क्या, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नो, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो रैलीज आप लोग सब लोग बोल रहे हैं कि रैलीज में पैसा खर्च हो रहा है, रैलीज इसलिए की जा रही है कि लोगों को पता लगे कि देश में आज तक 10 साल में कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने किया क्या है, देश को लूट लिया। तो आप क्या सोचते हैं कि आज जब आप देखते हैं टेलीविजन या सुनते हैं लीडर्स को उनकी रैलीज में, तो आपको लगता है कि ऐसा है? देखो, मैंने एक चीज देखी है, कांग्रेस ने काफी साल वैसे रूलिंग कर ली है, अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी भी एक टाइम पे थी, आजकल बुरी भी है। तो हर आदमी ये चाहता है कि थोड़ा चेंजिंग हो, मतलब तो मैं जस्ट फॉर चेंज। अभी आपको पता नहीं है कि मतलब लेट्स गिव बीजेपी अ चांस, कौन आ सकता है? तुक्का मारो, श्योर तो कोई भी नहीं बोल सकता, वो नहीं चाहिए तो कोई और, मतलब कोशिश, एक चांस दे मतलब। पर आपको लगता है कि आपको इनकी पॉलिसीज के बारे में पता है कि क्या मैनिफेस्टो में कहा गया है? देखिए, ये चीज के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो कम, मतलब आपको ये वाली जो पार्टी है उनका कहना है कि आक्षेप ज्यादा है, और ये वाली जो पार्टी है कहता नहीं है भाई आक्षेप तो ठीक है, पता लगना चाहिए, लेकिन साथ में मैनिफेस्टो के बारे में भी, पॉलिसीज के बारे में भी पता है। क्या आज की तारीख में जो भी हम रैलीज में देखते हैं या टेलीविजन पे देते हैं उसमें हमें समझ में आता है कि पॉलिसीज और देश के बारे में बात हो रही है कि उसमें सिर्फ पर्सनल आक्षेप हो रहा है? देखो, आपने जो पर्सनल आक्षेप की बात की है, जी। मैं उससे सहमत तो नहीं हूँ। पर पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत पर्सनल आक्षेप चलते रहते हैं, क्योंकि कोई स्कैम करता है तो उसका नाम देखे ही आपको बोलना पड़ेगा। पर एक भाषा की परिभाषा होती है कि आप की मर्यादा में किस स्तर पे आप बात करना चाहते हो। आप जो अपनी करप्शन वाली कांग्रेस पार्टी है,
उसके हर एक नेता ले लो। आज दो दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी में से मैं वो महान व्यक्ति का नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, पर वो बिल्कुल महान नहीं है कि बैरक ओबेरॉय, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, वो तो ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही नहीं करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको, उनके सामने उनको क्लीन चिट दे रही है, तो बैरक ओबेरॉय है कौन? एक चीज निकल के आ रही है कि पर्सनल आक्षेप अगर हैं तो थोड़े जरूरी हैं, जरूरी, क्योंकि क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सामने वाले ने क्या किया। क्या आपको ऐसा लगता है? जी कुछ हद तक ये कह सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी को चांस नहीं देंगे उनका पता भी नहीं चल सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो, या वो क्या करना चाहते हैं आगे। पर्सनल आक्षेप, स्कैम के बारे में बताना, गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। पॉलिसीज ठीक है, मतलब हो ना हो चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वी शुड सी द प्रोडक्टिविटी, जो हमारे देश के लिए जो हो रहा है, जो पॉलिसीज रखी है और उसके अगेंस्ट क्या काम हो रहा है वो हमें देखना चाहिए, ना कि वो मतलब इंडिविजुअल क्या कर रहा है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्या प्रोडक्टिविटी है, एंड ऑफ द डे वी शुड सी द प्रोडक्ट इन जनरल। लंदन में मैंने बहुत गुजरातियों से बात करी है, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, क्या ये सच है गुजरात में प्रोग्रेस हुई है या सिर्फ ये वोट की? तो मुझे हर गुजराती ने, बिलीव मी, हर एक ने ये कहा है कि मोदी के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा है गुजरात में। तो हम जब तक वही आपकी बात को मैं अग्री कर रही हूँ कि गुजरात को अगर हम मॉडल बना ले कि गुजरात बनाया है, आप यहाँ बैठ के, और मिस्टर मोदी ने बोला था कि आप तमिलनाडु में जाके कह दे कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ, गुजरात वालों से पूछिए कि मैंने कुछ किया है या तो नहीं। आपका कहने का मतलब वो एक्चुअली, हाँ जी एग्जैक्टली, मुझे यही कहना है कि लाइक हमें एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी देखनी चाहिए, उस बंदे ने क्या किया है आपके लिए वो देखना चाहिए, ना कि उसने अपने जमाई के लिए क्या किया और फिर उसने खुद के लिए, ठीक है थोड़ा बहुत उसने खुद के लिए किया, लेकिन देश के लिए भी वो उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। कोई भी जो पर्सनल है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो कंट्री है वो एक इंसान से नहीं चलती, कंट्री चलनी है पॉलिसी से। जो भी पार्टी आएगी उसकी क्या पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अगर वो पॉलिसी जनता को नहीं बताते, अभी नहीं बताते तो उनसे वोट मांग रहे हैं, तो उनके साथ वो फ्रेम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको पॉलिसी बताएं। जो अभी बोला जा रहा है कि गुजरात में जो हुआ, किसी को ये नहीं बताया जा रहा कि गुजरात में मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले गुजरात की GDP क्या थी और अब उनकी GDP क्या है। अगर देखा जाए तो अब गुजरात की GDP जो है पहले से कम है। आपने सही कहा कि आपने एक बात उठाई है कि आक्षेप हो तो पॉलिसीज पर हो एक दूसरे पर, लेकिन पर्सन पर ना हो, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, पॉलिसीज पर आक्षेप हो कि आपकी पॉलिसी कामयाब हुई, आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई, एज अ पर्सन आक्षेप ना हो। आइए साहब मैदान में। देखिए अभी कॉमनवेल्थ घोटाला किया, किसने किया, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, किसने किया, कौन एक व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, 2G किसने किया, एक व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं बीजेपी के स्कैम गिनाऊं अभी? नहीं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। जब नहीं, सब नहीं, शामिल होंगे तब मैं उनके गिनाऊं। नहीं, तो व्यक्ति व्यक्ति का नाम लेना, लोगों को पता चलना, लोगों को पता चलना। आज चलो आम आदमी पार्टी आई, वो आम लोगों की पार्टी, नाम भी आम आदमी पार्टी। आज वो पार्टी अरविंद केजरीवाल के आजू बाजू केंद्रित होकर रह गई, कोई भी आम आदमी पार्टी को चांस नहीं मिला। तो मोदी के आगे केंद्रित होकर रह गई है, मोदी इलेक्टेड, सिलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों हैं। रोशन जी आप कहें कि पॉलिसीज पे चर्चा क्यों नहीं, व्यक्ति पे चर्चा क्यों? जहाँ तक पॉलिसीज की बात है, हाँ। पिछले 3-4 साल में क्या पॉलिसी हमारी, डिफेंस पॉलिसी कुछ नहीं है, हाँ। चाइना जब दिल करता है हॉलीडे करने आ जाता है पाकिस्तान क्या करता है मैं कहना नहीं चाहता, यू नो। तो हमारी कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और हम कोई भी चीज पे डिसीजन नहीं ले पाते, यू नो। हम हर बात को सोनिया जी के पास जाना पड़ता है, मनमोहन जी तो बेचारे कुछ करते ही नहीं है, हम उनको ब्लेम भी नहीं करते, वो शरीफ आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी है, तो उनको जो भी है। ये बताएं कि पर्सनालिटीज पर चर्चा ज्यादा होती है, पॉलिसीज पर कम, हाथ ऊपर। तो ये अभी भी डिवाइडेड है, ये तीन लोग, ये अंताक्षरी वाला केस हो गया। टीम ए, टीम बी। इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। 20 दीजिए सीमा जी। आप ये बोलते हैं कि पर्सनालिटी पे बात होती है और पॉलिसीज पे नहीं जी।
मेरा व्यू ये है, अगर आपकी पर्सनैलिटी ग्रेट है और स्ट्रॉन्ग है, पॉलिसीज अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। किसी ने भी अभी तक, इंक्लूडिंग मोदी साहब ने भी, ये नहीं बताया किसी को, जनता को नहीं बताया कि गुजरात का मॉडल क्या है। तो गुजरात का मॉडल क्या है आपको नहीं पता? किसी को नहीं पता। आपको प्रीति जी? गुजरात मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इतना सुना है कि वहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स अच्छी है, मतलब ऑल एंड ऑल इट्स गुड स्टेट। हमें गुजरात के मॉडल के बारे में किसी गुजराती से पूछना चाहिए जो वहाँ पे रहा हुआ है। एक सुव्यवस्था है, सुशासन है और सुरक्षा है और विकास है। अच्छा, विकास किस तरीके से? तीन बेसिक चीजें होती है, पानी, बिजली और रोड। जैसे प्रीति जी ने बताया, वो कभी गई नहीं, आई डोंट थिंक सो, तो उन्होंने, उनको भी पता है कि रोड अच्छे हैं। अब गुजरात के हाईवे पर से ड्राइव करके जाओ, गुजरात की सरहद खत्म होती है, आपको गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइव करते हुए पता चलेगा कि रोड चेंज हो गए, नंबर वन। नंबर टू, आज रात नवरात्र होता है, 9 दिनों का एक इवेंट होता है हमारे यहाँ, लड़कियाँ उसके अलावा भी रात को 2 बजे स्कूटी पे अकेली जा सकती है। किसी की हिम्मत नहीं है गुजरात में कि वो करें। मोदी जी का जो मॉडल है, मोदी जी को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। ऑफिसर को अपनी तरह से अच्छा कार्य करने के लिए मोदी जी की तरफ से पूरी छूट है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। तो जो सच होता है, तो देखो व्यवस्था है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। पहले तो ये कर लें कि गुजरात के मॉडल के बारे में टेलीविजन देखकर या जो भी करके कौन कितना जानता है। क्या आप जानते हैं गुजरात के मॉडल के बारे में? नहीं जानते तो हाथ ऊपर करें। सेम डिवाइड ए एंड बी। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल, क्या गुजरात का मॉडल जो भी हमें महाशय ने बताया, क्या वो देश पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल। आइए आइए, माइक सीमा जी, हमारी आज भाजी रोशन जी आपको कैसे छोड़ दें हम? जो विकास का मॉडल है गुजरात का अपना मॉडल है, जब बीजेपी का अपना मॉडल है, जो बीजेपी करेंगे वो गुजरात का मॉडल हर स्टेट पे लागू नहीं होगा। उसके लिए ऑलरेडी काम किया गया है, हर स्टेट के लिए, हर समस्या के लिए डिफरेंट। तो आप मतलब उसके बारे में भी आपको कब काम किया गया है? चलिए बहुत शुक्रिया, जल्दी वन लाइन। मैडम क्या बोलूंगा, मैं गया तो नहीं हूँ अभी, लेकिन कोशिश करूंगा जाने की और देखूंगा फिर बताते हैं। जी, जैसा कि सीमा जी और नचिकेत जी ने कहा कि बिजली आ गई है या रोड पर काम हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें पूरे देश में लागू हो जाती हैं तो ये विकास की ही बातें हैं, तो जरूर काम करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं है, ये हुआ है। नहीं, होगा कि नहीं, हमें ये कहना है कि देखिए, ये जो बातें हैं ये कोई मॉडल नहीं है, ये तो नेसेसिटी है, बिजनेस की नेसेसिटी है, लोगों की जरूरतें हैं कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल्स, हेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्राइम जो है लो चाहिए। ये तो हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले की जरूरत है, ये कोई मॉडल नहीं है। ये तो जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है उस समय से गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, ये बातें करते आ रहे हैं मगर हुआ नहीं अभी तक। वहां की आबादी बढ़ रही है मगर वहां के जो रिसोर्सेज है, वहां के जो फैसिलिटीज है, वो अभी तक कुछ नहीं, उनकी उनमें बढ़ावट नहीं आ रही। सो गुजरात का मॉडल देश के लिए काम करेगा कि नहीं? गुजरात का मॉडल पहले तो है कि एक मॉडल नहीं है, ये तो नेसेसिटीज है, मॉडल नहीं है। इसको जो अगर आप मॉडल बोलते हैं तो हम वी आर फ्रॉडिंग विद द पब्लिक। ये मॉडल नहीं है, ये तो जरूरतें हैं, बिजनेस की जरूरतें हैं, लोगों की जरूरतें हैं। ये सभी हिंदुस्तान में, हम चाइना से बात करते हैं, चाइना से बराबरती करते हैं, मगर हमारे पास चाइना जैसी पॉलिसी नहीं है। वहां जो देखें चाइना की जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, हमारी बिजनेस पॉलिसी नहीं है। हिंदुस्तान में अभी जो रिच है, रिच हो रहा है, मोर पावरफुल हो रहा है, जो गरीब है वो गरीबी से दफनाया और नीचे जा रहा है। जब तक हम हिंदुस्तान में पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी नहीं लाते, बराबरता, इक्वालिटी है, जो कि सभी को एजुकेशन का अधिकार है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को जो हेल्थ है, तो ये जो है ये बेसिक्स है, बेसिक नीड्स है, इसे कोई मॉडल की कोई बात ही नहीं है। गुजरात का मॉडल पूरे देश में के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है और कामयाब होगा कि नहीं? हाथ ऊपर नीचे, कामयाब होगा।
गुजरात का मॉडल पूरे देश नहीं होना चाहिए, नहीं होगा या नहीं होगा। पर्सनालिटीज और स्कैम्स की बात भी करनी पड़ती है क्योंकि यही पर्सनालिटीज हैं जो पॉलिसीज बनाने वाली हैं। तो साथ में गुजरात मॉडल की भी बात हुई, लेकिन लब्बो लबा ये रहा कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। चाय चैट पर हमारे साथ अगले हफ्ते आप फिर जुड़िएगा जब इलेक्शन पूरी तरह से चरम पर होगा। नमस्कार।